मेरा नाम नरेंद्र मोदी है, मुझे प्रधानमंत्री बना दो 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, किसानों को सही दाम। हुआ करता था अच्छे दिन आएंगे, याद है आपको, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन चले गए, गायब हो गए, बाय बाय। अब नया नारा चला है, चौकीदार 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 चौकीदार, यह नया नारा चला है। और पूरा देश, जैसे ही कोई कहता है चौकीदार, देश कहता है चोर है। आप कोशिश करिए, ट्राई करिए, आप यहां से जाएंगे किसी दुकानदार के पास जाइए, कहिए चौकीदार, कहेगा चोर है। आप बेरोजगार युवा के पास जाइए, कहिए चौकीदार, चोर है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज, 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज, और नरेंद्र मोदी कहता है 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा। गब्बर सिंह टैक्स लाए, आप असम के किसी भी छोटे दुकानदार के पास चले जाइए, चाय की दुकान में चले जाइए और पूछिए गब्बर सिंह टैक्स से फायदा हुआ या नुकसान। नुकसान हुआ, 5 अलग अलग टैक्स, 28% तक टैक्स, दिन भर फॉर्म भरो, चौकीदार ने कहा है फॉर्म भरेंगे, चलो फॉर्म भरो, भरते जाओ, बर्बाद हो जाओ। ऐसा गब्बर सिंह टैक्स हमें नहीं चाहिए। यूपीए सरकार आएगी, यहां पे जो भी छोटे दुकानदार हैं, छोटे बिजनेस वाले हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, गब्बर सिंह टैक्स को हम बदल देंगे, जीएसटी आपको दिलवा देंगे। एक टैक्स, कम से कम टैक्स, सरल टैक्स, भ्रष्टाचार, रिश्वत आपको देने की जरूरत नहीं, पूरा ढांचा बना रखा है इसने। अखबार पढ़िए, खोलिए, 6 एयरपोर्ट इनके मित्र अदानी जी को, राफेल का कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी को, 30,000 करोड़ रुपए दिए हैं, मतलब साल में एक मनरेगा को चलाने के लिए 35,000 करोड़ लगते हैं, एक व्यक्ति को पूरे मनरेगा का पैसा इसने दिया है चौकीदार ने। यह सच्चाई है, देश के युवा छोटा बिजनेस चालू करना चाहते हैं, असम में लाखों युवा छोटा बिजनेस चालू करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। बिजनेस चालू करना है तो नरेंद्र मोदी जी के हिंदुस्तान में पहले आप जाके परमिशन ढूंढिए, सरकार के हर डिपार्टमेंट में आपको जाना पड़ेगा, हर डिपार्टमेंट से आपको कोई ना कोई परमिशन लेना पड़ेगा, और जब आप परमिशन लेंगे आपको रिश्वत भी देनी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी का मेक इन इंडिया, हमने मैनिफेस्टो में साफ लिखा है, चाहे वो असम का युवा हो, हिंदुस्तान का युवा हो, किसी भी प्रदेश का हो, अगर वो बिजनेस खोलना चाहता है, चालू करना चाहता है, शुरू करना चाहता है, तो उसे 3 साल के लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरी की पूरी छूट है। आप 3 साल बिना कोई परमिशन, बिना कोई डिपार्टमेंट से कुछ पूछे आप अपना काम शुरू करो, और जैसे ही आपने अपने बिजनेस में रोजगार देना शुरू किया, वैसे ही हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंक्स आपकी मदद करना शुरू कर देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नीरव मोदी ने कितने युवाओं को रोजगार दिया, अनिल अंबानी ने कितने युवाओं को रोजगार दिया, सिर्फ कमाया है, देश को रोजगार नहीं दिया है। 22 लाख सरकारी पोस्ट हैं,
हम इनको एक साल के अंदर आपके लिए भर के दिखा देंगे। और यहां नॉर्थ ईस्ट पर, आसाम पर इनका पूरा आक्रमण चल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने आपको अलग अलग हथियार दिए थे, स्पेशल स्टेटस, नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशल इंडस्ट्रियल पॉलिसी, प्लानिंग कमीशन आपके लिए प्लानिंग करता था, आपकी जरूरतों को देखता था। नरेंद्र मोदी जी ने एक के बाद एक इन चीजों को आपसे छीना। स्पेशल स्टेटस आपको क्यों मिलता था? क्योंकि आपके सामने स्पेशल तरीके की कठिनाइयां हैं। असम में बाढ़ आती है, अलग अलग तरीकों की मुश्किलें हैं आपके सामने, इसलिए आपको स्पेशल स्टेटस दिया जाता था। वो नरेंद्र मोदी ने आपसे छीना। हमने सोचा था कि लुक ईस्ट पॉलिसी में असम और नॉर्थ ईस्ट मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर बने, मैन्युफैक्चरिंग का हब बने, हाई टेक्नोलॉजी की यहां कंपनियां खुले ना। नरेंद्र मोदी जी ने आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपसे छीनी, प्लानिंग कमीशन छीना। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, अच्छी तरह सुन लीजिए, जैसे ही हमारी सरकार आएगी, स्पेशल स्टेटस, नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी और एक नया प्लानिंग कमीशन आप लोगों को हम दिलवा देंगे। यह आपका हक है, यह आपका है, यह हम आपको वापस देंगे। सिटीजन अमेंडमेंट बिल के बारे में आप जानते हो, यह भी आप पर आक्रमण है, आपकी भाषा पर, आपकी सोच पर, आपकी इंडिपेंडेंस पर। जब ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल पास करने की कोशिश कर रहे थे, नॉर्थ ईस्ट से, असम से मेरे पास लोग आए और आपने मुझे समझाया कि आपके ऊपर एक आक्रमण है, पर हमने साफ कह दिया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को हम पास नहीं होने देंगे और इसको हमने पास नहीं होने दिया। बीजेपी के मर्डर अक्यूज्ड प्रेसिडेंट अमित शाह ने बयान दिया कि वो इसको पास करवा के दिखाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि नॉर्थ ईस्ट पर, असम पर आक्रमण कांग्रेस पार्टी नहीं होने देगी, सिटीजन अमेंडमेंट बिल को कांग्रेस पार्टी नहीं पास होने देगी। देश के सामने एक और बहुत बड़ा मुद्दा है, किसानों का मुद्दा। हर प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सही दाम दिलवाऊंगा, कर्जा माफ करूंगा, पूरी मदद करूंगा। आपको मालूम है नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? कर्जा माफ नहीं किया, सही दाम नहीं दिलवाते, एमएसपी नहीं बढ़ाते, बस भाषण करते हैं। तीन प्रदेशों में चुनाव हुए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, और वहां भाषण में मैंने साफ कह दिया 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी किसानों का इन प्रदेशों में कर्जा माफ करके दिखा देगी। मोदी जी ने कहा, जो हर बार कहते हैं पैसा कहां से आएगा, हमने कहा 10 दिन दीजिए हमें, फिर देखते हैं। 10 दिन नहीं लगे, 2 दिन के अंदर तीनों प्रदेशों में किसानों का कर्जा माफ हमने कर दिया। हम जो कहते हैं हम करते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं, बहुत दिन बाद झूठ बोलते हैं। टी गार्डन्स में मिनिमम वेज देने का
हमारा कमिटमेंट है, वो भी हम आपको करके दिखा देंगे।